everyone, I'm Kashish Jain from PK Makeup Studio and welcome back to Nykaa TV. आज हम step by step easily party makeup कैसे करें वो सीखने वाले हैं। आज के इस makeup look को आप किसी भी outfit पे पहन सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जितना अच्छा हमारा skin होगा और skin prep होगा उतना ही flawless हमारा makeup लगेगा। आज का skin regime specially मैं Indian skin tone के हिसाब से बताऊंगी जो लिया गया है Nykaa के skin regime से, जिसे बोलते हैं CSMS routine। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, सो लेट मी टेल यू गाइस, ये है क्लिंजर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। सो बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लिंजिंग से, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ Nykaa नेचुरल सेफ्रॉन एंड हनी फेस वॉश। ये आपकी डर्ट और डस्ट को रिमूव करने के लिए है, अच्छे से आपके फेस को क्लीन करेगा। नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ सीरम, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं लॉरियल रिवाइटल लिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम। बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, इससे आपका मेकअप काफी ग्लोई भी दिखेगा। सो नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं मॉइस्चराइजर, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ Nykaa का स्किन आरएक्स इल्यूमिनेट मॉइस्चराइजर। ये काफी लाइट वेट मॉइस्चराइजर है और आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर करेगा। अब ये हमारा CSMS का लास्ट स्टेप और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन। ये है न्यूट्रिजिना का अल्ट्रा शील ड्राई टच सनब्लॉक, जो है SPF 50। अब हम आते हैं मेकअप रूटीन पर, जिसमें सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए हम यूज करेंगे Nykaa का प्रेप मी अ फेस प्राइमर। ये आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करेगा और उसके साथ ये आपके बेस को काफी फ्लॉलेस बनाएगा। सो आपको राइट अमाउंट में क्वांटिटी लेना है, जहां पे भी आपको पोर्स का है या फाइन लाइंस है तो वहां पे आपको इवनली ये प्राइमर अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं फाउंडेशन, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ Huda Beauty Fox Filter Luminous Matte Foundation। ये फाउंडेशन एक हाई कवरेज फाउंडेशन है जो आपके मेकअप को काफी फ्लॉलेस फिनिशिंग देगा, साथ ही जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है उसे भी ये कवर कर लेगा। आपको बहुत मोटा लेयर स्किन पे नहीं लगाना है, जस्ट आराम से स्ट्रोक देते हुए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसका पतला लेयर भी बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को कवर अप कर देता है। अब आपको इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है एंड बहुत ही फ्लॉलेस फिनिशिंग भी दे रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे फेस के फीचर को हाईलाइट, जो पार्टी मेकअप लुक के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ Huda Beauty का ओवर अचीवर कंसीलर। फेस के हाइलाइटिंग एरियाज में सबसे पहले अंडर आईज बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम फेस को एक डिफाइंड शेप देने के लिए कॉन्टोर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कॉन्टोर की गाइडलाइन आपको कहां से शुरू करनी है और किस तरीके से ब्लेंड करना है। जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रेवोल्यूशन का कॉन्टोर एंड हाईलाइट पैलेट। मैं पिक कर रही हूँ ब्राउन कलर। आपको शुरू करना है टॉप ऑफ द ईयर टू आईब्रोज लास्ट हेयर। शेडिंग आपको ऊपर की तरफ करनी है, इसे हम ब्लेंड करेंगे ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हम करेंगे नोज कॉन्टोर। आपको सिर्फ नोज के साइड्स वाले एरिया पे प्रोडक्ट अप्लाई करना है और वो भी काफी कम क्वांटिटी, पूरा प्रॉपर साइड नहीं, खाली ये जो दो लाइन है बस वहां पे। जितना डिफाइंड आप आपकी नोज वाला एरिया करोगे ना, उतना ब्यूटीफुल आपका फेस का शेप दिखेगा। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं ब्लश ऑन, जो आपके चीक्स को इनहांस करेगा। ब्लश ऑन के लिए मैं यूज कर रही हूँ K Beauty का क्रीम ब्लश, जिसका शेड है स्वीट हार्ट पिंक। ये ब्लश का जो शेड है वो इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है एंड ये काफी नेचुरल इफेक्ट देगा आपको। अच्छे से चीक्स वाले एरिया पे आपको अप्लाई करना है एंड देन हम इसे करेंगे ब्लेंड। अब ये जो हमने बेस मेकअप किया है उसे लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस दिखाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ LA Girl का प्रो सेटिंग पाउडर। मैं यूज कर रही हूँ सेटिंग पाउडर, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के साथ ही साथ क्रीज प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ भी बनाता है। आप पार्टी में जा रहे हैं तो डांस तो ऑब्वियसली होने वाला है, तो ये स्टेप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो पार्टी मेकअप बिना हाइलाइटर के तो हो ही नहीं सकता, सो वो पार्टी वाले ग्लो के लिए अगेन मैं यूज करती हूँ रेवोल्यूशन का कॉन्टोर एंड हाइलाइटर पैलेट। ये 2-in-1 पैलेट है, मैं यूज कर रही हूँ ये शेड। सो हमारा बेस मेकअप हो चुका है डन एंड आई होप आपको सारे स्टेप बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अब हम आते हैं आई मेकअप के ऊपर। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईब्रो डिफाइनिंग से। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ Anastasia का पोमेड, जिसका शेड है डार्क ब्राउन। सबसे पहले आपको आईब्रो के हेयर को अच्छे से लिफ्टिंग वे में कॉम करना है। आप देख सकते हो मेरी मॉडल के आईब्रोज ऑलरेडी डार्क है। ऑलरेडी जिनकी आईब्रोज डार्क है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आईब्रोज में ना लगाए, जहां पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे आपको अप्लाई करना है।
अब हम आते हैं आई शैडो पे, जिसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा फेवरेट पैलेट, जो कि है हुदा ब्यूटी एम्पावर्ड पैलेट। ये आई शैडो पैलेट सॉफ्ट और ग्लैम दोनों ही आई लुक्स के लिए बेस्ट है। प्लस आप इस आई मेकअप की पैलेट की वजह से डे और नाइट लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। लोअर लैश लाइन पे अगर आप आई शैडो अप्लाई करोगे तो आईज जो है वो और भी ज्यादा बड़ी दिखेगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ लिमिटलेस शेड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड मेटालिक शेड है। थोड़ा सा शेड आपको लेना है और आई बॉल पे आपको प्लेसमेंट करना है। इसका फिंगर एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथली होगा। सेम शेड आपको थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करना है सेंटर में। नेक्स्ट ये जेल लाइनर ले रही हूँ ब्लैक कलर का। यहाँ पे आप सभी को एक टिप देना चाहूंगी, जब भी आप चाहते हैं कि आपका आई मेकअप एकदम सॉफ्ट लगे तो मस्ट यूज ब्राउन काजल। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इंटेंस जेल काजल। आईज को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम मस्कारा यूज करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ PAC का डबल वॉल्यूम मस्कारा। ये मस्कारा आपकी लैशेस को काफी लॉन्गर और थिकर दिखाएगा। जस्ट आपको लिफ्टिंग मोशन में अप्लाई करना है मस्कारा। हमारा आई मेकअप हो चुका है डन, अब हम आते हैं लिपस्टिक पे। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैक का पाउडर केस लिक्विड लिप कलर। ये लिपस्टिक जो है काफी लाइट वेट एंड लॉन्ग लास्टिंग है। अब लिप्स को और भी प्लम्बी इफेक्ट देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ELF का लिप ग्लॉस। अब हमारा आता है मेकअप का लास्ट स्टेप, जो कि है सेटिंग स्प्रे। एक चीज बता दूं, बिना सेटिंग स्प्रे के पार्टी में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आप सेटिंग स्प्रे यूज करोगे तो आपका जो मेकअप है वो उसी के प्लेस पे लॉक हो जाएगा। सो मस्ट यूज सेटिंग स्प्रे। मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे। सो ये है आज का हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कॉमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, डू इट यार। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं वो आप बाय करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें नायका ऐप। थैंक यू सो मच। डाउनलोड द नायका ऐप टू शॉप फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस वीडियो एंड लॉट्स मोर।